गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज हम बीएससी थर्ड ईयर जो है उसका फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया था हमने कोर डेटा। और कोर डेटा जो है उसका पहले सेक्शन का पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, कोर डेटा के लक्षण और उसका वर्गीकरण। और इससे पहले वीडियो में हमने कोर डेटा के लक्षण देखे थे और कोर डेटा के आपने दो लक्षण पढ़े थे, तो कोर डेटा के प्रमुख लक्षण और कोर डेटा के समान लक्षण। कोर डेटा के प्रमुख लक्षण कौन से थे? कोर डेटा के तीन प्रमुख लक्षण थे, जिसमें पहला कोर डेटा का पहला लक्षण, प्रमुख लक्षण था कि नोटो कोड की उपस्थिति। ठीक है, कि कोर डेटा के प्राणियों के जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में उनके शरीर के पृष्ठ भाग में एक मोटी रस्सी समान संरचना नोटोकोड पाई जाती है। दूसरी प्रमुख लक्षण जो हमने पढ़ा था वो था पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कोड की उपस्थिति। जो नोटोकोड होती है उस नोटोकोड के ऊपर जो है नलिकाकार पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु जो है वो पाई जाती है, जिसका अग्रसिरा ब्रेन बनाता है और पश्च सिरा जो है वो स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु बनाता है। और तीसरा प्रमुख लक्षण जो आपने पढ़ा था ग्रसनी क्लोम दरारें। ग्रसनी क्लोम दरारें क्या होती हैं? कि कोडेटा के प्राणियों की भ्रूणीय अवस्था में उनकी आहार नाल के ग्रसनी भाग जो होता है उस ग्रसनी भाग में ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जो या तो जीवन भर बनी रहती हैं जैसे जलीय कोडेटा के प्राणी हैं, या वो अदृश्य हो जाती हैं, या वो अन्य संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। ये तीन प्रमुख लक्षण हमने पढ़े थे कोडेटा के, और ये तीनों प्रमुख लक्षण जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में अवश्य पाए जाते हैं। उसके बाद आपने पढ़े थे सामान्य लक्षण की कोडेटा के समान लक्षण क्या होते हैं, और कोडेटा के समान लक्षणों के बारे में मैंने ये बताया था कि ये लक्षण सभी कोर्डेट्स प्राणियों में उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि कोर्डेट्स जो होते हैं ये जल में, वायु में, स्थल में यानी पृथ्वी के सभी आवासों में रहते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है, द्विपार्श्व सम्मिलित होते हैं, पाचन तंत्र विकसित होता है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, सिर पर एक संवेदी अंग के रूप में नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यकृत निवाहिका तंत्र इनमें पाया जाता है, गुदा पश्च पुच्छ की उपस्थिति इनमें पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी जो है इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये उनके सामान्य लक्षण थे। ठीक है, अब लक्षण होने के बाद हम पढ़ते हैं कोर डेटा का वर्गीकरण। देखिए बेटा, कोर डेटा का जो वर्गीकरण है जो हमने पूरे अपना पेपर जो है उसमें ये काम आएगा, और उसमें बनाने का तरीका है इसका कि या तो आप एक चार्ट पर इसको पूरी तरह से बनाएं और अपने कमरे में लगाएं ताकि हर दिन उस पर नजर पड़ती रहे, या अपनी कॉपी जो है उसके फुल पेज पर कलरफुल जो है इसका आप आरेखित जो चित्र है वो बनाएं। ठीक है, और ये नजर में होना चाहिए कि कौन सा भाग, कौन सा वर्गीकरण, कौन सा वर्ग है, उपसंघ है, विभाग है, ये इसमें होते हैं। तो देखिए बेटा, कोडेटा संघ जो है, कोडेटा एक संघ है, और इस संघ जो है इसके दो समूह बनाए गए हैं। कोडेटा संघ जो है इसके दो समूह हैं, जिसमें एक समूह आता है एक्रेनिया, जिसे प्रोटोकोडेटा कहा जाता है, एक्रेनिया या प्रोटोकोडेटा। और एक्रेनिया या प्रोटोकोडेटा जो होते हैं ये निम्न कशेरुकी होते हैं। निम्न कशेरुकी जो है उन्हें प्रोटोकोडेटा समूह के अंतर्गत रखा गया है। निम्न कशेरुकी समानता है ये जलीय होते हैं, और निम्न कशेरुकी प्राणियों में एक विशेषता होती है कि प्रोटोकोडेटा के प्राणी जो है इनकी केवल लार्वा अवस्था में ही नोटोकोड पाई जाती है। मैंने पहले आपको बताया था नोटोकोड जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में अवश्य मिलेगी, तो प्रोटोकोडेटा के जो प्राणी है जो निम्न कशेरुकी है इनमें
जो नोटोकोड है वो केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है, वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाती है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि सभी कशेरुकी जो होते हैं वो सभी जो कोडेटा के प्राणी हैं वो कशेरुकी नहीं होते, लेकिन सभी कशेरुकी जो हैं वो प्रश्नवंशी होते हैं। देखिए बेटा दो चीजें आई हैं, एक कशेरुकी शब्द आया है और एक यहां पर प्रश्नवंशी शब्द आया है, दो शब्द हैं और इनका मतलब एक ही होता है, कशेरुकी प्रश्नवंशी या इनको कोडेटा कह सकते हैं। मैंने कोडेटा के समान लक्षणों में बताया था कि नोटोकोड जो है जो भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है और ये वयस्क अवस्था तक धीरे धीरे कठोर मेरुदंड में बदल जाती है, लेकिन प्रोटोकोडेटा के प्राणियों में प्रश्न रज्जु केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है। कौन सी अवस्था में है? केवल लार्वा अवस्था में। इसका मतलब यह हुआ कि लार्वा अवस्था के बाद प्रश्न रज्जु यानी नोटोकोड समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी वो प्रश्न रज्जु किस में नहीं बदल पाती है? कशेरुक दंड में नहीं बदल पाती है। इसलिए सभी कशेरुकी तो प्रश्नवंशी होते हैं लेकिन सभी प्रश्नवंशी कशेरुकी नहीं होती है। भाई कशेरुकी किन में कहोगे? जिनमें कशेरुक दंड उपस्थित है, और कशेरुक दंड किससे बनती है? प्रश्न रज्जु से। तो जितने भी कशेरुकी हैं वो तो क्या होंगे? प्रश्नवंशी होंगे, क्योंकि कशेरुक दंड प्रश्न रज्जु से बनती है, लेकिन सभी प्रश्नवंशी क्या नहीं होते? कशेरुकी नहीं होते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोटोकोडेटा के प्राणी, क्योंकि इन प्राणियों में कशेरुक दंड केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है। जो प्रश्न रज्जु है वो केवल किसमें पाई जाएगी? लार्वा अवस्था में। वो किसमें नहीं बदल पाएगी? कशेरुक दंड या मेरुदंड में नहीं बदल पाती है। तो सीधा सा ये है कि सभी कशेरुकी प्रश्नवंशी होते हैं लेकिन सभी प्रश्नवंशी कशेरुकी नहीं होते हैं। तो कोर्डेटा का पहला समूह हो गया एक्रेनिया, प्रोटोकोर्डेटा, निम्न कशेरुकी प्राणी आते हैं, यानी इनमें जो प्रश्न रज्जु है वो कहां मिलेगी? सब केवल कौन सी अवस्था में? लार्वा अवस्था में ही पाई जाएगी। दूसरा समूह है क्रेनिएटा, या इसे यू कोर्डेटा के नाम से भी जाना जाता है। यू कोर्डेटा के जो प्राणी हैं ये उच्च कशेरुकी होते हैं, उच्च कशेरुकी होते हैं। उच्च कशेरुकी का मतलब इनकी भ्रूणी अवस्था में तो प्रश्न रज्जु उपस्थित होती है, जो वयस्क अवस्था तक किसमें बदल जाती है? कशेरुक दंड में या मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो दो समूह हो गए, प्रोटोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा, जिसे क्रेनिएटा या एक्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए बेटा प्रोटोकोर्डेटा जो है इसके तीन उपसंग हैं, प्रोटोकोर्डेटा के तीन उपसंग हैं। कौन कौन से उपसंग? हेमिकोर्डेटा, और हेमिकोर्डेटा जो है जिसको आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था, और हेमिकोर्डेटा के तीन वर्ग हैं, दो वर्ग हैं टेरोब्रेंकिया और एंटेरोन्यूस्टा। ये सारी चीजें आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं कि हेमिकोर्डेटा जो है जिसे उपसंग एक्रेनिया का उपसंग हेमिकोर्डेटा बनाया गया है, जिसके वर्ग हैं टेरोब्रेंकिया और एंटेरोन्यूस्टा। ठीक है, सबसे नीचे बेटा एक लाइन लिखी हुई है नोट के रूप में कि हेमी कोर्डेटा को वर्तमान में नोम कोर्डेटा में रखा गया है। हेमी कोर्डेटा के जो प्राणी थे उनमें एक प्रश्न रज्जु समान संरचना पाई जाती है। पहले ये माना जाता है कि ये संरचना प्रश्न रज्जु है, लेकिन आधुनिक जो खोज है उनके आधार पर ये बताया गया है कि हेमी कोर्डेटा में जो प्रश्न रज्जु समान संरचना होती है वो वास्तव में प्रश्न रज्जु नहीं होती है। तो वर्तमान वर्गीकरण में हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा से अलग कर दिया गया है और उसको किस में रखा गया है? नॉन कोर्डेटा जो है उसके अंतर्गत रखा गया है।
तो पहला ऑप्शन आ गया हेमिकोडेटा। हमें ये दर्शाना जरूर है लेकिन नीचे नोट के रूप में ये लिखना है कि जब नवीन वर्गीकरण आएगा तब ये पूरा हट जाएगा, लेकिन अभी वही वर्गीकरण चल रहा है। ठीक है, तो हेमिकोडेटा ऑप्शन है, दो वर्ग हैं, टेरोब्रेंकिया और दूसरा है एंटेरोन्यूस्टा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं यूरोकोडेटा। बेटा ये यूकोडेटा है और ये क्या है, यूरोकोडेटा। ठीक है, जिसके तीन वर्ग हैं, एसिडिएशिया, दूसरा थैलिएशिया और लार्वेशिया। एसिडिएशिया, थैलिएशिया और लार्वेशिया, ये यूरोकोडेटा के तीन उपवर्ग हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लेते हैं सेफेलोकोडेटा, और सेफेलोकोडेटा जो है उसका एक ही वर्ग है, लेप्टोकार्डी। तो प्रोटोकोडेटा के तीन उपसंग हो गए, उपसंग हेमिकोडेटा, उपसंग यूकोडेटा, उपसंग सेफेलोकोडेटा, और इनके ये वर्ग हो गए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं उच्च कोडेटा की तरफ, यानी यूकोडेटा। देखिए बेटा, यूकोडेटा का एक उपसंग है वर्टिब्रेटा, एक उपसंग बनाया गया, इसके तीन उपसंग बनाए गए हैं, इसका एक उपसंग बनाया गया है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा के दो विभाग हैं, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा में क्या आता है कि बेटा, एग्नेथा में जो जीव होते हैं, कोर्डेटा के प्राणी होते हैं, उनके मुख में जबड़ों का अभाव होता है। उनके मुख में क्या नहीं पाए जाते, जबड़े, और जबड़े न पाए जाने के कारण इनका मुख जो है ये गोल होता है। और दूसरा क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, और इनकी दो सुपर क्लास बनाई गई हैं, दो सुपर क्लास हैं, जिसमें पिसीज पहली है और दूसरा है टेटापोडा। पिसी जो है इसमें मछलियां आती हैं, और मछलियों को तीन वर्ग जो हैं उनमें विभाजित वर्ग किया गया है, वर्ग प्लेक्टोडर्माई, वर्ग क्वांडिक्युथीज और वर्ग ओस्टियोक्युथीज। ये किसमें आते हैं, सुपर क्लास पिसी जो है, अधिवर्ग बोलते हैं, तो सुपर क्लास पिसीज जो है इसमें प्लेक्टोडर्माई, क्वांडिकुथीज और ओस्टिकुथीज आते हैं। और दूसरा ग्रेथोस्टोमेटा की सुपर क्लास है ट्रेटापोडा। ट्रेटापोडा मतलब चतुष्पादा, चार पैर वाले प्राणी जो हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, और ट्रेटापोडा जो है इसके चार वर्ग बनाए गए हैं। टेटापोड़ा के चार वर्ग हैं, जिसमें पहला वर्ग आता है एम्फीबिया, जिसमें वे प्राणी आते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, जिन्हें उभयचर कहा जाता है। एम्फीबिया में जो जल में भी निवास करते हैं कुछ समय, और कुछ समय स्थल पर भी निवास कर सकते हैं, वो एम्फीबिया आते हैं। दूसरे आते हैं रेप्टिलिया, दूसरा वर्ग टेटापोड़ा का क्या है, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब रेप्टम से बना है, जिसका मतलब है सरक्कर, या सरक्कर जो प्राणी चलते हैं, रिपटकर जो प्राणी चलते हैं, उन्हें रेप्टिलिया में रखा गया है, सरीसृप के में। और तीसरा वर्ग है एवीज, और एवीज जो है उसका प्रमुख लक्षण होता है पंखों की उपस्थिति। ठीक है, और इसमें एवीज यानी सभी पक्षी आएंगे। और चौथा वर्ग जो है वो है इसमें मेमेलिया, स्तनधारी प्राणी, जो कोर्डेटा संघ जो है उसके सबसे विकसित प्राणी है मेमेलिया। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं इनमें, और वो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होता है, जिससे वो अपने बच्चों या शिशुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो सबसे विकसित जो वर्ग है, पूछा जाता है कभी भाई कोर्डेटा का सबसे विकसित वर्ग कौन है, तो वो टेटापोड़ा का वर्ग मेमेलिया है, जो कोडेटा प्राणी, या मैं कहूं कि पृथ्वी पर जो सबसे विकसित प्राणी है वो वर्ग जो है मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये है अपना कोडेटा का संपूर्ण वर्गीकरण।
इसको बेटा एक बार दोबारा समझना, कोडेटा संघ है, इसके दो उपसंघ हैं। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोडेटा जंतु जगत का सबसे अंतिम संघ है और सबसे विकसित संघ भी है। अंतिम संघ का मतलब होता है 11वां संघ है। 11वां संघ का मतलब इससे पहले 10 संघ आते हैं, वो 10 संघ नॉन कोडेटा के आते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा पोरिफेरा से स्टार्ट होकर हेमिकोडेटा तक आते हैं, वो सभी नॉन कोडेटा में है। 11वां संघ कोडेटा है, जो सबसे विकसित है और सबसे अंतिम संघ है। दो इसके समूह है, प्रोटोकोडेटा निम्न कशेरुकी, यूकोडेटा उच्च कशेरुकी, जिसके तीन उपसंग हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा। इसके दो वर्ग है, टेरोब्रेंकिया, एंटेरोन्यूस्टा। इसके तीन वर्ग हैं, एसिडेशिया, थेलेशिया, लार्वेशिया। सेफेलोकोडेटा का एक ही वर्ग है, लेप्टोकार्डी। यूरोकोडेटा को उपसंग वर्टिब्रेटा में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा के दो विभाग हैं, एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लास हैं, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज मछली वर्ग जो है, इसके तीन वर्ग हैं, एक तो है प्लेक्टोडर्माई, क्वाड्रिक्युथीज और ओस्टियोक्युथीज। और टेट्रापोडा चतुष्पादा जो है, उसके चार वर्ग हैं और चारों वर्ग एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। तो बेटा अपना कोडेटा जो पेपर था उसका अपना पहला चैप्टर यानी कोडेटा के लक्षण और उनका वर्गीकरण, ये चैप्टर पूर्ण हो चुका है। और इसमें चैप्टर में समानतया एक शॉर्ट नोट टिप्पणी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और मैंने पहले भी बताया था वो 5 नंबर का क्वेश्चन किस पे आता है, समानतया कोडेटा के प्रमुख लक्षण, नोटोकोड की उपस्थिति, नलिकाकार पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु और ग्रसनी क्लोम दरार। ठीक है बेटा, तो ये अपना पहला चैप्टर पूरा हो चुका है और इसके नोट्स जो है आपको भेज दिए जाएंगे और वो आप अपना काम जो है वो करें। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।